नमस्कार, कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको ले चलेंगे खंडरों का शहर राजनगर, जहां वास्तुशिल्प का अनुपम प्रयोग और नक्काशी उत्कृष्ट एवं अतुल्य है। साथ ही आपको दर्शन कराएंगे ऐसे मंदिर का जहां महिला पंडित कराती हैं पूजा। स्वप्न नगरी के नाम से प्रख्यात राजनगर की ऐतिहासिक राज परिसर आज बर्बादी की गर्त के मुहाने पर पहुंच गया है। रख रखाव एवं देखभाल के अभाव में ध्वस्त हो रहे यह परिसर आज अपना अस्तित्व बचाने के लिए उद्धारक का बाट जो रहा है। बिहार के मधुबनी जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजनगर का ऐतिहासिक राज कैंपस खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। कैंपस राज्य सरकार की अनदेखी के कारण उपेक्षित पड़ा हुआ है। यहाँ के महल और मंदिर स्थापत्य कला के अद्भुत मिसाल पेश करते हैं। दीवारों पर की गई नक्काशी, कलाकारी और कलाकृति देखकर आप दंग रह जाएंगे। राज कैंपस में बने सभी महल और मंदिर अपनी भव्यता और खूबसूरती की दृष्टि से अद्भुत हैं। यहाँ के भव्य मंदिर और महल पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेते हैं। भव्यता और वैभव की झलक आप यहाँ की दीवार, मेहराब, गुंबद से लेकर मूर्ति तक में देख सकते हैं। यहाँ के शिल्प और कलाकृति में आपको मिथिला पेंटिंग के साथ देशी विदेशी दोनों शैली का अनुपम समागम देखने को मिलेगा। मिथिला की कला संस्कृति में मछली एक विशेष स्थान रहा है। मछली के साथ यहाँ के लोग हाथी को भी शुभ मानते हैं। हाथी को शुभ होने के साथ राजसी वैभव और शान का प्रतीक भी माना जाता है। ये हाथी घर के नाम से यह जाना जाता है। यह यहाँ के कल्चर का यह अनुभूति थी। ये सुप्रसिद्ध, इनके समकालीन पूरे हिंदुस्तान में इनके समकालीन तंत्र विद्या महाराज रामेश्वर सिंह तंत्र विद्या का मुख्या शक्तिपीठ के सिद्धस्थ लोग थे और उनकी कल्पना थी कि यह एक ऐसी सुंदर नगरी बनाया जाए जो राजनगर का उन्हीं का नामकरण किया हुआ है। और इस प्रकार से सौंदर्य के प्रतीक, धार्मिक प्रतीक, आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में उन्होंने नव निर्माण शुरू किया था। आप जब राजनगर के राज कैंपस में प्रवेश करेंगे, आपको जगह जगह मछली और हाथी के प्रतीक चिन्ह देखने को मिल जाएंगे। एक महल तो हाथी की विशाल मूर्ति की पीठ पर ही बनाया गया है। इसके पास बने नौलखा पैलेस का तो अब कुछ ही हिस्सा बचा है। आज से 100 साल पहले ये महल करीब 9 लाख रुपए में बनाया था। हालांकि ये एक तरह से आपको बाहुबली फिल्म की भव्यता का झलक प्रदान करते हैं, लेकिन अब ये ढहने के कगार पर है। बताया जाता है कि यहाँ के महाराज को तंत्र मंत्र में विशेष लगाव था। इसी के कारण उन्होंने इस राज कैंपस में तंत्र विद्या के आधार पर
देवी देवताओं के 11 मंदिर बनाए थे। यहाँ स्थित काली मंदिर के बारे में कहा जाता है कि महाराजा रामेश्वर सिंह ने अपनी तंत्र साधना की पूर्णाहुति के बाद इसकी स्थापना की थी और काली माता का ये रूप देश में कहीं और देखने को नहीं मिलता। काली मंदिर के अलावा इस राज कैंपस में दुर्गा मंदिर, कामाख्या मंदिर, गिरजा मंदिर और महादेव मंदिर भी हैं। बगल में कामाख्या मंदिर है जहां तंत्र शास्त्र के दुर्लभ यंत्र अभी दीवाल पर उकेरे गए हुए हैं। यहाँ संगमरमर की काली मंदिर जिसमें दुर्गा मंदिर 1934 के भूकंप के बाद शिफ्ट कर लिया गया और वह महाराजा का अस्थाई आवास नौलखा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था और वहाँ उनका आवास भी था और इनका ऑफिस का भी संचालन होता था। यहाँ आपको आध्यात्म और वैदिक कला के संगम देखने को मिलेंगे। आपको इस कैंपस के चारों ओर मंदिर के दर्शन होंगे। खंडहर में तब्दील हो रहे राजनगर के इस राज्य कैंपस का निर्माण महाराजा रामेश्वर सिंह ने अपने लिए किया था, लेकिन अपने बड़े भाई महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह के निधन के बाद वे दरभंगा चले गए। बताया जाता है कि राजनगर के इस भव्य पैलेस को बनाने के लिए ब्रिटिश आर्किटेक्चर M.A. कोर्ने की सेवा ली गई थी और देश में सबसे पहले सीमेंट का इस्तेमाल यहीं राज पैलेस के भवन निर्माण में हुआ था। डॉक्टर M.S. कॉर्नी जो यहाँ के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, जो लंदन ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको मुहैया करा गया था, वो बहुत बड़े स्कॉलर थे और उन्होंने वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना यहाँ को देखने को दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके भग्नावशेष आज भी तरोताज़ा स्थिति में हैं, लेकिन बरसात, धूप की मार और पर्यावरण की दृष्टि से धूल धूसरित हो रही है कि इसकी कलाकृति विनष्ट के कगार पर है। इसको संरक्षित करना राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और इससे यदि इसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया तो सरकारी राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि यदा कदा देश विदेश के पर्यटक यहाँ स्वतः स्वस्फूर्त भावना से इस भग्नावशेष को देखने के लिए 365 दिन वर्ष में आते जाते रहते हैं। ये राज पैलेस करीब 1500 एकड़ में फैला है। 1870 में बने इस राज पैलेस को 1934 में आए भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा। महाराजा रामेश्वर सिंह के दरभंगा चले जाने के कारण राजनगर पैलेस के मरम्मत और रख रखाव पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। मुद्दा यह है कि इसको संजोने का काम सरकार को करना चाहिए, जो कि नहीं कर पा रही, जैसा कि हम देख रहे हैं। मतलब लगभग 1 किलोमीटर आगे से ही शुरू होता है ये और 2 किलोमीटर और पीछे तक ये गया है, पूरा का पूरा जो धरोहर है अपना। तो इसको सरकार को चाहिए कि एक टूरिस्ट प्लेस के तर्ज पे इसको डेवलप किया जाए। कितने जंगल हैं यहाँ पे, इन सबको सही किया जाए। जो ये किला हैं इनको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई किया जाए, थोड़ा सा इनकी सुंदरता को बढ़ाया जाए, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर बहुत, अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आई एश्योर कि यहाँ पे इतने टूरिस्ट आएंगे और इससे सरकार का एक डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होगा। आम लोगों को इससे बहुत अच्छा होगा क्योंकि आसपास का बिजनेस आम लोगों का बढ़ेगा। टूरिस्ट लोग आएंगे यहाँ पे, उनका बिजनेस बढ़ेगा तो उनका भी जो जीवन यापन और अच्छे से चलेगा। गरीबी भी बहुत है यहाँ पे, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। अगर यहाँ पे इसको एज ए टूरिस्ट प्लेस डेवलप किया जाता है तो अंदाजन
कम से कम 1,500-2,000 इधर के आम आदमी का एक जीवन यापन का जो स्रोत है वो बहुत उच्च स्तर का हो जाएगा, खुशी खुशी रहेंगे, जैसा कि हम अन्य जगहों पर भी देखते हैं। आज़ादी के बाद से ये और अधिक उपेक्षा का शिकार होता रहा। आजकल इस कैंपस में एक कॉलेज भी है। शिक्षा के क्षेत्र में इस राज परिवार का अमूल्य योगदान रहा है सर्वदा से, और इसी क्रम में राजकुमार जयकिशन सिंह के उत्प्रेरणा से यहाँ इस धार्मिक न्यास के जनरल मैनेजर, जो राजनगर स्टेट के जनरल मैनेजर के भव्य अट्टालिकाओं में विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय की स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के शासनकाल में 1990 में अंगीभूत हुई, और ये अंगीभूत इकाई के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण महाविद्यालयों में इसकी गिनती होती है। इंद्र पूजा और 1 जनवरी को यहाँ लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। आसपास के लोग यहाँ की भव्यता देखने और घूमने आते हैं। मेरा नाम प्रभात बर्मैया है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और प्रॉपर MP शिवनी का रहने वाला हूँ। और मैं नाम सुन के यहाँ पे विजिट तो करना था पहले से ही, बाकी मैं एक फाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ। मेरा हॉबी पेंटिंग है और फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट हूँ। तो जिस तरह मैं आया, यहाँ का स्पॉट देखा, तो मेरा मन एक दिन में इसको घूम के भरा नहीं है। तो अभी मेरा प्लान है कि यहाँ पे कुछ दिन और आऊँगा, ठहरूँगा, और यहाँ पे जितने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ की, जो धरोहर है, उसे कैप्चर करूँगा अपनी पेंटिंग के माध्यम से। तो मैं अभी कुछ समय बाद ये सारी चीज़ें करूँगा। वैसे यहाँ के स्पॉट्स इतने अच्छे अच्छे हैं कि लुभाते हैं, अपनी और आकर्षित करते हैं। धरोहर ऐसी चीज़ें होती हैं, आप जितना उसको संभाल के रखेंगे उतने आगे समय तक के लिए हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा नाम और एक अच्छा स्थान डेवलप होता है। साथ में गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को सुरक्षा रखेगी या सुरक्षित रखेगी या इसकी और ध्यान रहेगी कि, तो लोगों का आकर्षण यहाँ के लिए और इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। तो बाहर के भी जितने लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे, घूमेंगे, क्योंकि ये प्लेस ऐसा है कि एक बार जो बना है वो धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर होगा। अगर आप उसको संरक्षित नहीं रख सकते हैं तो वो धीरे धीरे ध्वस्त हो जाएगा। तो ये बहुत आगे चल के अच्छा न्यूज़ नहीं होगा लोगों के लिए या क्षेत्रवासियों के लिए। इसलिए गवर्नमेंट को इस तरह ध्यान देना चाहिए ताकि इसको और अच्छे से डेवलप कर सके, संग्रहित किया जा सके और सुरक्षित रखा जा सके। अगर इस बहुमूल्य धरोहर की सही देखभाल हो, इसे संरक्षित श्रेणी में रखा जाए, तो इसे बिहार के एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे इलाके के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा। तो देखा आपने, अगर इस बहुमूल्य धरोहर की सही देखभाल हो, इसे संरक्षित श्रेणी में रखा जाए, तो इसे बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे इलाके के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे मंदिर का जहां महिला पंडित कराती है पूजन। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है, तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ज्ञान स्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञान स्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अक्सर आपको मंदिरों में पुजारी तो मिलते ही हैं, जो अधिकतर पुरुष होते हैं, लेकिन इस मंदिर में आपको पुजारी के रूप में महिला ही मिलेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिले के कमतौल स्थित अहिल्या स्थान मंदिर का। भारत में कई ऐसे सिद्धपीठ मंदिर हैं जहां जाकर इंसान को मानसिक शांति और जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान मिलता है। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं अहिल्या स्थान के बारे में। अहिल्या स्थान एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। ये दरभंगा जिला के कमतौल रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि गौतम की धर्मपत्नी देवी अहिल्या प्रसंगवश अपने पति के श्राप के कारण शिलाखंड में परिवर्तित हो गई थी। भगवान श्री राम की चरण धूलि के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व काफी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये मंदिर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का है। इस बात का जिक्र रामायण में भी मिलता है। जिस समय पूरा वीरान था, जंगल था, यहाँ कोई प्राणी कोई जीव नहीं पाया जाता था, उस समय भगवान आकर के माँ अहिल्या का उद्धार किए, तब से यहाँ जनजीवन बसने लगा है, रहने लगा है। और इस जगह का प्रमाण आपको ब्रह्मवैवत पुराण और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करेंगे तो उसमें अहिल्या उद्धार का जो प्रसंग है उसमें आपको इस जगह का प्रमाण मिल जाएगा। रामायण की कहानी के अनुसार जब प्रभु राम भ्रमण करते हुए जनकपुर की ओर जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक पत्थर दिखा और उस पत्थर पर उनका पैर पड़ते ही ये पत्थर अहिल्या के रूप में आ गया। अहिल्या अपने पति ऋषि गौतम के श्राप की वजह से पत्थर में बदल गई थी। यहाँ 17,000 वर्ष पहले गौतम ऋषि अपनी पत्नी माहिल्या के साथ और 2 बच्चों के साथ यहाँ निवास करते थे, अंजनी माता पुत्री और शतानंद जी पुत्र के साथ। उसी बीच इंद्र के साथ यहाँ माहिल्या के साथ छल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गौतम ऋषि अपनी पत्नी को पाषाण होने का श्राप दे दिए। श्राप देने के बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो माँ अहिल्या कही, जो मैं तो निःपाप हूँ, आप हमको श्राप दे दिए, फिर उधार होने का कोई उपाय बतलाई। तब गौतम ऋषि ने कहा, जो भगवान राम जब मिथिला जाएंगे अपने गुरुदेव के साथ अपने भाई के साथ, उसी समय अपना चरण रज देंगे तो आपका उधार होगा। दरभंगा जिला के लिए ये स्थान एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है, जिसे रामायण सर्किट से जुड़ने का भी गौरव प्राप्त है। हर साल हजारों भक्तों की भीड़ इस मंदिर को देखने के लिए यहाँ आती है। जिस व्यक्ति के शरीर में अहिल्या होता है, वे रामनवमी के दिन अहिल्या स्थान कुंड में स्नान कर अपने कंधे पर बैंगन का भार लेकर मंदिर आते हैं और बैंगन का भार चढ़ाते हैं तो उन्हें अहिल्या रोग से मुक्ति मिलती है। बैंगन के भार को फुसरी भर जाए थी ना, तो मान दे थी से माता हमारा छूट जाए तो हम बैंगन के भार चढ़ाए, वही से लोग चढ़ाव अभी थे बैंगन के भार। कतनों दवाई करबे तो नहीं छूटत, आ भार मान देवे तो छूट जाए। अहिल्या इंसान के शरीर के किसी भी बाहरी हिस्से में हो जाता है, जो देखने में मस्से जैसा लगता है। लोग मनोती मानते हैं, कोई मनोती पूर्ति होती है तो बैंगन का भार और प्रसाद यहाँ चढ़ाते हैं। वैसे साल में 2 बार आश्विन में और चैत में यहाँ दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मांग खोइसा भी माता को भराता है। यहाँ 5 देवियों का पूजा होता है, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी, इसी 5 कन्या का यहाँ पूजा अर्चना भी होता है। और इसके बगल में जो कुंड देख रहे हैं ये अहिल्या कुंड के नाम से ही प्रचलित है। इसमें 7 कुंड
सप्तऋषि के नाम से खुदाया गया था, जो इस तालाब को कभी सूखने नहीं देता है और इसमें स्नान करने से चर्म रोग आदि भी ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं ये मंदिर त्रेता युग का है। अक्सर आपको मंदिर में पुजारी तो मिलते ही हैं, जो अधिकतर पुरुष होते हैं, लेकिन इस मंदिर में आपको पुजारी के रूप में महिला मिलेगी। यहाँ पर कई सालों से महिला पुजारी की परंपरा रही है, वे ही यहाँ पर पूजा करवाती हैं। भारत ही नहीं, नेपाल से भी हजारों भक्त इस मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाने के क्रम में उन्होंने एक उपवन में एक निर्जन स्थान देखा। राम ऋषि विश्वामित्र से पूछते हैं, ये स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं देते? विश्वामित्र जी ने बताया, ये स्थान कभी महर्षि गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। माता अहिल्या इतनी सुंदर थी कि उनके रूप की चर्चा तीनों लोक में थी। जब ये बात देवराज इंद्र को पता चली तो वो उनके प्रति आकर्षित हो गए। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की, लेकिन जब गौतम ऋषि अपनी कुटिया में लौटे तो अपने ही स्वरूप को देखकर चौंक गए। गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए था। वे सब कुछ समझ गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि तू हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहां राख में पाषाण बनी पड़ी रहे। त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और वनवास के दौरान तुम्हें स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श से ही तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम वापस अपने स्त्री रूप में आ जाओगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। और जैसे ही श्री राम ने अहिल्या के पाषाण रूप को छुआ, अहिल्या शाप मुक्त हो गई। इस मंदिर परिसर में श्री राम जानकी की विशाल मंदिर भी है। दीवारों पर की गई नक्काशी, कलाकारी और कलाकृति देखकर आप दंग रह जाएंगे। भक्तों का मानना है कि उन्हें यहाँ आकर मानसिक शांति और जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सचमुच में ऐसे सिद्धपीठ मंदिर में आकर भक्तों को मानसिक और जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान मिल ही जाता है। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcaankhi2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।